मंथली दे रहे हो तनखा दे रहे हो छोड़ा गया तुमने किसको ऐसी बात है का ये भाभी नहीं मार मार के साफ कर दिया होगा मारेगी उड़ाएगी करेगी भाभी भाभी कोई चमत्कार है क्या। तो हेलो फैमिली, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। गाइस स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। सुबह के 7:30 बजे आज थोड़ा सा टाइम से नींद खुल गई, तो टाइम से नहा धो के रेडी हो चुके हैं, चाय नाश्ता सब कुछ हो चुका है, निकल रहे हैं मथुरा जंक्शन के लिए। और गाइस पिछले 3-4 दिनों से लगातार ऐसा हो रहा था कि भाई जगने से पहले ही बारिश होती हुई पाती थी। आज 3-4 दिन बाद न तो रात को बारिश हुई है और ना ही अब सुबह के टाइम में बारिश हो रही है, तो दिन थोड़ा सा खुला हुआ दिख रहा है। हालांकि बादल हो रहे हैं लेकिन ऐसा लग नहीं रहा कि अभी फिलहाल बारिश का सा मौसम है। तो वैसे तो बारिश का भी मौसम है भाई, कभी भी आ सकती है, लेकिन फिलहाल आज शांति है। तो ना तो रात को ही बारिश हुई है, पर हाँ कल का पूरा दिन बारिश में निकल गया। और भाई इतनी ज़्यादा बारिश हुई कि मथुरा के जगह जगह हर कोने में पानी भर गया, तालाब बना दिया पूरे मथुरा को, कल बहुत बारिश हुई है। तो चलिए दोस्तों, आज मंगलवार है, आज का दिन और आज का ब्लॉग दोनों शुरू करते हैं। तो लास्ट तक बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने इस भाई को सपोर्ट करना, प्लीज़ करना। चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग, निकलते हैं यहाँ से, गाड़ी की थोड़ी सी साफ़ सफाई कर लेता हूँ फिर निकलता हूँ। और गैस पिछले 2 दिन से भाई जो पर्दों वाला मकसद था मेरा, खूब यूज़ करने का मौका मिला है, पूरे पैसे वसूल करवाए। कल भी मैं सारा दिन बारिश में चलता रहा था और गाड़ी ने पूरा साथ दिया, ना तो सवारियाँ परेशान हुई ना ही मैं, तो भाई पैसे वसूल करवा दिए जो भी मैंने इन पर्दों पे खर्च किए थे। फिलहाल गाड़ी की कुछ ऐसी कंडीशन है क्योंकि पूरा दिन कल बारिश में रही है, तो गंदी तो ज़्यादा नहीं है क्योंकि जब जब बारिश होती थी उसके बाद पहुंचना पड़ता था, तो साफ़ सुथरी सी है, थोड़ा सा फर्श गंदा है, इसको साफ़ कर लेता हूँ फिर निकलता हूँ। तो लीजिए दोस्तों आगे अपने मथुरा जंक्शन पर, फिर से जंग की तैयारी। और भाई लाइन देखो कितनी बड़ी है, आज मंगलवार है, मंगलवार को थोड़ा काम हल्का रहता है, ये लाइन उसी का असर है। और सामने हमारा तिरंगा मथुरा जंक्शन के ऊपर, कल सारा दिन बारिश हुई है, भीगा हुआ है इसलिए ठीक से उड़ नहीं रहा है। ये हमारी मित्र मंडली, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, कैसा काम निकल रहा है? अभी तो अभी आए हैं, 2 दिन से तो मट्टी खराब है। कल का पूरा दिन तो बारिश में चला गया, कल तो 650 रुपए कमाए थे। चलो देखते रात को 9 बजे तक, रात को 9 बजे रुका था। चलिए विष्णु दा भाई हमारा दोस्त। वैसे दोस्तों बारिश तो मथुरा में पिछले 3 दिनों से हो रही थी, लेकिन 2 दिन भाई पहले जो शुरुआत किए थे उनमें कभी रुक जाती थी, कभी होना शुरू हो जाती थी, कभी धूप निकला लेती थी, कभी छांव हो जाती, तो ऐसे चल रही थी। लेकिन कल का दिन भाई मूसलाधार बारिश हुई है लगातार सुबह से लेकर शाम तक। तो मथुरा के जितने भी अंडर पास है ना, जैसे कि भूतेश्वर चौराहे वाला या फिर न्यू बस स्टैंड वाला, दोनों के दोनों अंडर पास के नीचे भाई कमर कमर तक पानी था। तो कल पूरा दिन में एक भी बार वृंदावन जाने का मौका नहीं मिला, जन्मभूमि की तरफ जाने का मौका नहीं मिला, तो गाड़ियाँ चलाने में बहुत समस्याएं आ रही थी। और 2-3 जगह जो बच जाती है उनमें भाई, जैसे कि हम लोग जब कहीं का काम नहीं मिलता तो मथुरा जंक्शन से हाईवे के लिए सवारियाँ पकड़ना शुरू कर देते हैं लोकल की, तो कल जो हाईवे वाली रोड पे उस पर वो रखे गड्ढे बहुत बुरे, तो भाई उस पर पानी भर गया था। कई बार ऐसा हुआ कि कई रिक्शे पलटे वहाँ पे, कई लोगों को चोट लगी है, तो उधर भी नहीं जा पा रहा था। तो हार थक के मैंने ब्लॉक कर दिया बंद कल, तो सोचा अब करूँ क्या, ब्लॉक तो पूरा करना है, कुछ ना कुछ तो करना है। तो भाई मैं पहला वाला जो मेरा चैनल था उस पर मैं 10 तारीख को जब भी मेरी गाड़ी की EMI होती थी, तो महिंद्रा ट्रियो या फिर आप ECT या फिर इलेक्ट्रिक गाड़ियों के ऊपर वीडियो बनाया करता था, तो सोचा उसी को कंटिन्यू करता हूँ। तो कल मैंने इसीलिए बनाया था भाई, इलेक्ट्रिक की गाड़ियों के ऊपर वैसे भी आप लोगों के सवाल बहुत आ रहे थे कि भैया सवारी कितनी है, कैसे कैसे होता है, क्या प्रोसेस होती है, लोडिंग वगैरह, तो काफ़ी सवाल थे, उनके जवाब देने की कोशिश किए। तो आई होप कि आपको अच्छे लगे होंगे, अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, वीडियो को लाइक कर दिया करो, अपने भाई को सपोर्ट दो थोड़ा सा, यार जीवन बहुत उलझा हुआ है, इसको सुलझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो वो जल्दी से और आसानी से सुलझ जाएगा, बाकी तो बंसी वाले के हाथ में ही है। फिलहाल सुबह 7:30 बजे आया था घर से निकल के, और भाई पहली सवारी पकड़ने में मेरे को 10 बज गए, जैसे तैसे करके कचहरी की सवारियाँ छोड़ के आया हूँ वापस, अभी मथुरा जंक्शन ही जा रहा हूँ। तो कल बारिश हो रही थी तो सवारियाँ निकल रही थी, कहीं जा नहीं पा रहे थे, सारे रास्ते बंद थे, पूरे मथुरा में जाम लग रहे थे। आज बारिश नहीं हो रही है तो सवारियाँ नहीं मिल रही हैं,
बड़ी मुसीबत बनी हुई है यार। चलिए मथुरा जंक्शन पहुंचते हैं, एक चक्कर लग गया है और देखते हैं कुछ बंसी वाला करवा दे तो। 30 रुपए सवारी मेरे आते हैं, 50-60 रुपए सवारी का काम है बताइए। इनके से आदमी मानती नहीं, इतने समझाए मैंने फिर भी नहीं मानते। पतिया चलाते हैं, पतिया। वृंदावन का कैसा माहौल है? हल्का हो गया, दो दिन से ऐसी चल रहा है भैया, ऐसी चल रहा है। तुम्हारी गाड़ी पानी में कैसी चल रही है? बारिश में कोई दिक्कत आती है इसमें? नहीं, बिना पहियों के चलती है, बिना पहियों बघेल साहब की गाड़ी सबसे स्पेशल है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, पानी का सवारी नहीं है भैया, क्या करें, बिहारी जी बुला ही नहीं रहे। पानी का भैया सवारी भी ले रही है, पूरा गीला होकर नहा धो के जाती है। अब बाढ़ और आने वाली है, पंजाब में तो बाढ़ आ चुकी है, यहाँ और आने वाली है मथुरा में। हाँ जी मथुरा में ले आएगी, आ जाती है बाढ़। नए बस स्टैंड पर चले जाइए, एक घंटा बारिश होने दीजिए तो मथुरा में आधा आधा पानी कमर हो जाता भैया। हाँ भूतेश्वर और नए बस स्टैंड पे तो जाए। नया बस स्टैंड वाला रास्ता बंद, जन्मभूमि वाला रास्ता बंद, इधर से जाओगे भरतपुर गेट वाला रास्ता बंद, पानी हो जाता पूरे मथुरा में। तो दोस्तों सुबह 7:30 बजे से लेकर दोपहर के 12 बज चुके हैं, इस बीच में 2 चक्कर लगाए और भाई 12 बज गए तो भूख लगना शुरू हो चुकी है, टाइम हो चुका है घर जाने का, शाम को फिर से आएंगे। हालांकि मौसम कभी धूप भरा कभी छांव भरा, टोटली ठंडा सा ही बना हुआ है, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं लगी है, लेकिन भूख से मजबूर है भाई, टाइम से घर जाना ही पड़ेगा। वैसे भी अगर कोई काम होता तो कहीं निकल जाते, फिर भूख नहीं लगती है, लेकिन जब खाली बैठे रहते हो तो टाइम से भूख भी लगवाती है। चलिए घर चलते हैं, खाना पीना खा के अपना ब्लॉग अपलोड करके एडिटिंग वगैरह सब कुछ करके शाम को दोबारा से आएंगे। चलिए घर निकलते हैं। तो दोपहर में जिन जिन कामों के लिए आए थे वो सारे काम हो चुके हैं, खाना खाना, ब्लॉग एडिट करना, थोड़ा आराम करना, तीनों के तीनों काम हो चुके हैं। तो अब निकल रहे हैं दोबारा से भाई, शाम हो चुकी है, लगभग 5 बजे हैं, मथुरा जंक्शन चलते हैं। सुबह का टाइम बहुत हल्का गया, कई दिनों से ऐसा हो रहा है कि सुबह का टाइम बहुत हल्का जा रहा है, तो फिर से चलते हैं, देखते हैं मथुरा जंक्शन पर कैसा रहेगा। गाड़ी तो फुल है ही, केवल 2 चक्कर लगाए थे वो भी नोकल के, तो गाड़ी ज़्यादा चार्ज करने की ज़रूरत ही नहीं थी, मैंने दोपहर में लगाई भी नहीं है चार्जिंग पे। चलिए भाई जितनी भी है करने की कोशिश करेंगे। भाई हमारी मित्र मंडली कुछ बातें करने में लगी हुई है, देखते हैं क्या हो रहा है। दोनों के दोनों खतरनाक बंदे हैं। और भाई पवन क्या चल रहा है? कैसा काम? ये हमारे भाई है सुबे बाबू, इनका 3 व्हीलर 4 व्हीलर 10 चक्का 12 चक्का सारी गाड़ियाँ टोटल। तेरे पास कौन सी है? ये बात तो ये बैटरी वाला रिक्शा है, बैटरी वाला रिक्शा, बहुत कमजोर आदमी है। अरे भाई तेरे सर पे भला हुआ, ये हाईवे बताता, छोटा आदमी लिए तू। चलो भैया पूरा घिस गया चलवा चलवा के। मंथली दे रहे हो, तनखा दे रहे हो, छोड़ा छोड़ा तुम लेना किसको? ऐसी बात है का, ये भाभी नहीं मार मार के साफ कर दिया होगा। भाभी कोई चमत्कार है क्या? भाभी जी घर पे हैं। और ऐसा है मैं बताऊं, यहाँ तो चलती है, यहाँ चलती है हमसे तो भैया, हम तो हाथ जोड़ देते हैं इनसे भैया, भाभी से पिटे और भैया हमसे जो हो रहे हैं। क्यों पवन, क्यों भाई घर की गुस्सा जाके उतार रहे हो? पानी मंगा ले, देखो इनको पानी भी चाहिए। तो घर को गुस्सा जाकर उतार रहा हूँ बता। भाभी से पिट के आते क्या करे बताइए, इतनी मट्टी खराब। फिर दूसरा कस्टमर बैठते नहीं है इनकी गाड़ी में, इनको देख के हो जबरदस्ती ले जाते हैं सवारी को। तो दोस्तों उम्मीद नहीं थी कि बुधवार का दिन इतना बुरा जाएगा। सुबह के टाइम में केवल 2 चक्कर लगाए थे, एक मैंने कचहरी का और एक हाईवे का।
उसके बाद में कुछ नहीं मिला था तो दोपहर को निकल गया था। अब भाई शाम को दोबारा से निकल के आया था 5 बजे के करीब में और अभी 7:30 बजे हैं तो 2.5 घंटे हो गए, 1 रुपये का काम नहीं हुआ। ऊपर से मौसम और बहुत बुरा हो रखा है यार, थोड़ी सी गर्मी हो गई है। आज पहला दिन है 3-4 दिन बाद जब बारिश नहीं हुई है दिन में, वरना लगातार बारिश हो रही थी। आज पूरा दिन बारिश नहीं हुई, बादल होते रहे लेकिन बारिश का नाम निशान नहीं। और भाई ऐसा मौसम हो जाता ना तो पीछे आपको दिख रहे हैं, देखिए खंभे पर, बैक कैमरे से दिखाता हूँ फिर दिखेंगे ठीक से। ये देखिए कीड़े और आ जाते हैं भाई, अब ये कीड़े गिर रहे हैं ऊपर से, ये खड़ा भी नहीं होने दे रहे चैन से। दोस्तों मथुरा जंक्शन से काम खत्म करके घर पे आ चुका हूँ और भाई 9:30 बजे हुए। आज सच कहूँ आपसे तो मेरा दिमाग बहुत ख़राब है, मेरा काम नहीं हुआ 2 दिन से, परेशान काम की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत चल रही है। कल भी मैं बैठ बैठ के चला आया था और बहुत मामूली से पैसे कमा के आया था और भाई आज भी सेम बिल्कुल वही कंडीशन रही। हालांकि 2 चक्कर लगाए थे और दोनों ही चक्कर मैंने आपको बताया कैसे लगे, नोकल के चक्कर थे, उनमें ज़्यादा पैसे मिलते नहीं है। कल भी मुझे वृंदावन जाने का मौका नहीं मिला और आज भी नहीं मिला, तो 2 दिन से दिक्कत बहुत बड़ी हुई है, उसकी वजह से दिमाग ख़राब है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है सच बताऊँ आपको तो। ना तो मथुरा जंक्शन पर ही मेरा मन लग रहा था, अब घर आ गया हूँ तो घर में भी बेचैनी सी हो रही है। जब तक जेब में पैसे ना हो ना, अपन लोग की ज़िंदगी कुछ ऐसी है कि डेली इनकम के ऊपर ही चलती है, अगर उसमें थोड़ा सा भी फेरबदल हो जाए तो भाई मामला बिगड़ने लग जाता है। क्योंकि हम लोग जैसे ज़िंदगी गुजारते हैं उसमें रोज़ाना कुछ ना कुछ आना ज़रूरी है। ज़िंदगी चलती ऐसी है कि आप कमाओ या मत कमाओ खर्चे तो ख़त्म हो नहीं सकते, जो डेली आपका खर्चा है वो होना ही होना है, आपको पैसे कमे या ना कमे। थोड़ा सा परेशान हुआ तो ज़्यादा कुछ करने को या बोलने को मन कर नहीं रहा है, तो इस ब्लॉग को कर देते हैं एंड। आई होप गाइस आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने इस भाई को सपोर्ट करना प्लीज़ करना। चलिए मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, नमस्कार।